कैंट तथा खोराबार थाना क्षेत्र में लूट और चोरी की घटनाओं का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से लूट के सामानों की बरामदगी की है। कैंट थाने पर घटना का खुलासा करते हुए एसपी सिटी विनय कुमार सिंह ने बताया कि सीओ कैंट व प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में चोरी तथा लूट की घटना के खुलासे में लगी टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ शातिर किस्म के युवक किसी घटना को अंजाम देने जा रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने वरदायनी चौराहा मॉडल शॉप के पीछे से 5 बदमाशों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उनके निशानदेही पर लूट और चोरी की एक बाइक, 5 सोने की अंगूठी, 4 सोने का टॉप्स, 1 सोने की टॉप्स, 1 पाजेब बरामद हुआ। उसके बाद तलाशी में बदमाशों के पास से 315 बोर का 2 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, फाइबर की सूटकेस में ड्रिल मशीन, 2 सब्बल, हथौड़ी, पेचकस सहित अन्य चोरी करने के उपकरण बरामद किए गए। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार युवकों की पहचान राजघाट थाना क्षेत्र के तुर्कमानपुर निवासी टोला पटवारी निवासी अरमान पुत्र वकील अहमद, सरफराज पुत्र समीउल्ला अंसारी, विक्की सहानी पुत्र रमाशंकर, कैंट थाना क्षेत्र के बुद्ध बिहारी निवासी मोनू गौड़ पुत्र सुनील गौड़ तथा तिवारीपुर थाना क्षेत्र के मोहनलालपुर निवासी इरफान पुत्र छोटन खान के रूप में हुई है। एसपी सिटी विनय कुमार सिंह ने बताया। सीओ कैंट के मार्गदर्शन में थाना कैंट थाना खोराबार क्राइम ब्रांची संयुक्त टीम द्वारा 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ये पेशेवर अभियुक्त हैं जो नकबजनी करने और लूट करने माहिर हैं। इनकी गिरफ्तारी के बाद कुल लगभग आधा दर्जन घटनाओं का सफल खुलासा हुआ है। इसमें कैंट से मोटरसाइकिल लूट और खोराबार थाना क्षेत्र में 5 हाउस ब्रेकिंग की वारदात है जहाँ पर इनसे इनके द्वारा चोरी की गई थी और उसमें चोरी के सामान भी बरामद हुए। इनके सारे अच्छे आबादी इतिहास से मुक्त हो गए और कई बार जेल जा चुके हैं। सामान कहाँ बेचते थे अपना चुराते थे कुछ पता चल रहा था? सामान इनके पास ही बरामद हुआ सर। तो कोई इनके पालन से पूछताछ की गई तो घरों में जाके चोरी करते हैं। अभी फिलहाल जो सामान इनके पास बरामद हुआ है बेचने की फिराक में थे इनके पास ही सामान।